चलेगा। अभी आ रहा है साउंड? ठीक से आ रहा है? एक बार मुझे बता दीजिएगा आप सभी लोग। हाँ बिल्कुल, साउंड का इशू आ रहा है। चले कोई बात नहीं है, गुड मॉर्निंग। अगर साउंड का इशू आ रहा है तो दोबारा से सुन लीजिएगा मैंने अभी तक जो भी बोला है। ठीक है, चले कोई बात नहीं है, अभी साउंड आ गई है। एक बार मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि वॉइस आया या नहीं आया है। फटाफट से एक बार वॉइस आ रहा है या नहीं आ रहा है वापस से बता दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, चले ओके ओके आ रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलेगा। अब देखिएगा ध्यान से, मैंने अभी तक आपको दो कोशिका हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि आज दिन में 12 बजे फ्री टेस्ट है हमारा। जो एप्लीकेशन है रीजनिंग लाइफ बाई दीपक सर ऐप है, इस ऐप पर एक फ्री टेस्ट, वीकली टेस्ट होने वाला है। उसका सोल्यूशन जो होगा वो सोल्यूशन संडे को करवाया जाएगा। तो इसको दीजिएगा, जाइएगा ऐप पर दिन में 12 बजे और ये टेस्ट जरूर दीजिएगा। सोल्यूशन आपको संडे को करवा दिया जाएगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो थी हमारी वो ये थी कि कल मैराथन होगी। बिल्कुल मैराथन होने वाली है। और मैराथन जो है हमारी, ये मैराथन जितने भी सारे टीचर्स हैं वो सारे टीचर्स आपके यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर आने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर आपको करवाने वाले हैं आरआरबी एएलपी के लिए। क्लियर है ये बात? चलेगा, आगे की बात हम करते हैं। तो दो बैच है, रैंकर्स बैच जो एसएससी वालों के लिए है, CHSL MTS वालों के लिए मात्र 1499 रुपये में। और ये जितने भी टीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीपक सर हो गए, अमित सर हो गए, हरिओम सर हो गए, अनिल सर हो गए, सुनील सर, ये सभी इस बैच में आपको दिखाई देने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, और एक साल का इसका वैलिडिटी है। शताब्दी बैच रेलवे वालों के लिए है, ALP वालों के लिए है। इसका प्राइस बढ़ चुका है, कल तक के लिए ही इसका कितना था, 1499 था। आज से इसकी जो प्राइसेस हैं वो हाइक कर गई है और वो 1999 हो चुकी है। अगर आपने अभी भी नहीं खरीदा तो वापस इसकी हाइक हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी, 2999। तो फटाफट से इसको परचेज कर लीजिएगा। जिन लोगों को भी ये पेड कोर्स चाहिए उनके लिए कह रही हूँ मैं, ठीक है। चले आगे की बात करते हैं। तो अगर आपको पर्टिकुलर कोर्स चाहिए सिर्फ दीपक सर का, तो आप 1999 में इसको खरीद सकते हैं। कोड लगाना नहीं भूलिएगा, D30, ठीक है। बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप सिलेबस का टेंशन नहीं लीजिएगा, सिलेबस आपके लिए हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। फटाफट से आप एक बार जुड़ जाइएगा, जितने भी लोग आपको शेयर करना है जो वीडियो है उसको शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको रीजनिंग का स्पेशल कोर्स परचेज करना है तो आप उसको कर सकते हैं मात्र 999 रुपये में, और D30 कोड जरूर लगाना। मैथ्स का करना है तो मैथ्स का भी आप कर सकते हैं, अमित सर का कोर्स 999 में ही। और अगर कॉम्बो चाहिए दोनों का, मैथ और रीजनिंग का, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, रीजनिंग लाइफ बाई दीपक सर के नाम से वेबसाइट है। अच्छा, ऐप पर जाना जरूरी क्यों है? क्योंकि जो डेली की PDF होती है वो ऐप पर ही मिलती है, डेली का क्विज होता है वो भी यहीं पर जाता है, और वीकली टेस्ट भी कहां पर होता है, ऐप पर ही होता है। क्लियर है ये बात? चलेगा, कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं, और क्लास में आज देखिएगा, कल की क्लास में हमने माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास को हम स्टार्ट करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। किससे स्टार्ट करेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट करेंगे। तो आ जाइएगा फटाफट से, जुड़ जाएगा, क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्लास स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास में। कल की क्लास में हमने राइबोसोम और किसके बारे में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि हिंदी में कहते हैं इसे अंतः प्रद्रवी जालिका, अंतः प्रद्रवी जालिका इसे हम हिंदी में कहते हैं। तो एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग आप सभी को। चले अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। एक बार सब कुछ स्टॉप करके आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा PDF प्रोवाइड हो जाएगी अनिकेत कुमार जी, आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐप पर PDF आ चुकी है, आप वहां से ले लीजिएगा, ठीक है। अंतः प्रद्रवी जालिका की अगर मैं बात करती हूँ कि इसका इन्वेंटर कौन था, खोजकर्ता कौन था, तो इसके जो खोजकर्ता या इन्वेंटर थे, नाम था उनका पॉटर। क्या नाम था दोस्तों? पॉटर नाम था। और देखिएगा इसे हम कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं,
क्या कहते हैं, कोशिका का कंकाल तंत्र भी इसे कहा जाता है, कोशिका का कंकाल तंत्र भी इसे हम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्यों कहते हैं, क्योंकि केंद्रक के चारों तरफ ये जो जाला सा आपको दिखाई दे रहा है, एक नेट सा आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, ये पूरा जो आपको जितना भी दिखाई दे रहा है, इस पूरे वायलेट के बाहर बात ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसे हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल तंत्र क्यों कहा जाता है, इसकी बात देखिएगा, क्योंकि ये कोशिका में जितने भी पदार्थ होते हैं उनका कंट्रोल करता है। क्या करता है, कोशिका में जितने भी प्रोटीन वगैरह होते हैं, पहला तो हो जाएगा अपना क्या, प्रोटीन हो जाएगा। तो ये प्रोटीन का आदान प्रदान जो होता है, एक जगह से दूसरी जगह प्रोटीन जाता है, उसका क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो प्रोटीन को कंट्रोल करने का कार्य करता है विभिन्न पदार्थों में, पहला क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। दूसरा, ये प्रोटीन की फोल्डिंग का कार्य करता है, क्या करता है, प्रोटीन की फोल्डिंग का कार्य करता है। दो प्रकार का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ जो होता है, हिंदी में इसे हम कहते हैं खुरदरा या खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका, इसे हम कहते हैं चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका। ठीक है, तो ये दो प्रकार की अंतःप्रदेवी जालिका है, एक है रफ और दूसरी है स्मूथ। क्लास का टाइम टेबल खेमकरण जी, बिल्कुल क्लास का टाइम टेबल हमारा आपको मैंने बता दिया था क्लास के स्टार्टिंग में ही, कि सुबह सबसे पहले मेरी क्लास होती है 8 बजे, उसके बाद में 9 बजे से अमित सर की क्लास होती है, 10 बजे से रीजनिंग की क्लास होती है दीपक सर की, और 11 बजे से हरिओम सर की जीके की क्लास होती है। ठीक है, और टेलीग्राम पे पीडीएफ सेंड करें, टेलीग्राम पर नहीं है पीडीएफ, आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम की बजाय ऐप पर जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है ऐप का, आप वहां से पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ठीक है, चले आगे देखिएगा, रफ वाली जो हमारी ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, इस पर राइबोसोम, जो हमने कल पढ़े थे कि झिल्ली रहित कोशिकांग है, इसके पास कोई लेयर नहीं पाई जाती है, आउटर लेयर प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये कहाँ उपस्थित होते हैं, रफ ईआर पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये उपस्थित होते हैं। स्मूथ पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, स्मूथ ईआर पर राइबोसोम जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि किस पर प्रेजेंट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये प्रेजेंट होते हैं, रफ ईआर पर प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ वाली पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में जानकारी है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वापस से देख लीजिएगा डायग्राम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिएगा, केंद्रक के चारों तरफ जितना भी है इसे हम क्या कह रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। क्लियर है, वहां भी नहीं आई है, बिल्कुल आ चुकी है, एक बार आप जाके चेक कीजिएगा, दोबारा अभी चेक कर लें भले, तो ऐप पर आपके लिए पीडीएफ अवेलेबल हो चुकी है। क्लियर है ये बात, बिल्कुल ऐप पर पीडीएफ है, आप ध्यान से देखिएगा ढंग से। अगला देखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में हम पढ़ने वाले हैं गोल्जी अपैरेचस। क्या पढ़ने वाले हैं, गोल्जी अपैरेचस। तो गोल्जी अपैरेचस को हिंदी में हम कह देते हैं, या फिर इंग्लिश में भी गोल्जी बॉडी कह देते हैं। ये जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी अपैरेचस है, इनके जो इन्वेंटर थे, इनके जो खोजकर्ता थे, नाम था उनका कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी इनके इन्वेंटर का नाम था, खोजकर्ता का नाम क्या था, कैमिलो गोल्जी था। गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपैरेचस, इन्वेंटर कौन थे इसके, कैमिलो गोल्जी थे। और ये होती कैसे है, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है हमारा, और न्यूक्लियस के पास में ही पाई जाती है कुछ इस प्रकार से। ये जो पिंक कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, हमारी गोल्जी अपैरेचस है। ठीक है, बिल्कुल कैमिलो गोल्जी ने इसको खोजा था, तो ये बिल्कुल चपटी नलिकाओं के रूप में यहाँ पर पाई जाती है। अच्छा, ये काम क्या करती है, तो ये सेल में शुगर को क्या कहेंगे हम, शर्करा को, इसके अलावा प्रोटीन लेवल को कंट्रोल करती है। काम देखिएगा इसका क्या है, ये वर्क है, इसका वर्क क्या है, शुगर और प्रोटीन लेवल को क्या करती है दोस्तों, ये कंट्रोल करती है। इसके अलावा ये अपना परिवहन का कार्य करती है,
मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसमिशन होता है थ्रू आउट द होल सेल, उसको क्या करती है, ये कंट्रोल करती है। कोशिका में जितना कुछ भी परिवहन होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा गोल्जी बॉडी कंट्रोल करता है। ठीक है, चलेगा। ऐप पर पीडीएफ मिल जाएगी, देखिएगा, मैं दोबारा नहीं कहूंगी ये बात, लास्ट बार कह रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। ऐप पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, नहीं हुई है तो अब हो जाएगी, अगले आधे एक घंटे में हो जाएगी। ठीक है, चले। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, गोल्जी कोयल से आने वाला क्वेश्चन यह है कि गोल्जी बॉडी को अगर प्लांट सेल में हम बात करते हैं तो प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं हम डिक्टियोसोम। क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं गोल्जी बॉडी को प्लांट सेल में। क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। गोल्जी कोय अगर किसमें हो, पादप कोशिका में होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? डिक्टियोसोम। ये कुछ छोटे छोटे कणों के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने लायक बात है, क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। क्लियर है बात? चले नेक्स्ट देखते हैं हम यहां पर, और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम किसके बारे में? लाइसोसोम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। ये रहा, ये है क्या है? लाइसोसोम। तो अगला हेडिंग डाल लीजिएगा लाइसोसोम, और लाइसोसोम के बारे में एक बहुत ही फेमस बात है कि इसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ सुसाइडल बैग भी कहते हैं। सेल का सेल्फ सुसाइडल बैग, या इसे हम हिंदी में कहें तो आत्मघाती थैली भी कहते हैं। हिंदी में आत्मघाती थैली, और अगर इंग्लिश में बात करूं तो इसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ सुसाइडल बैग भी कहते हैं। किसे? लाइसोसोम को कहते हैं। अच्छा, बात तो हमने इन्वेंटर की तो करी नहीं, तो इन्वेंटर की भी बात कर लेते हैं। इन्वेंटर जो थे लाइसोसोम के, वो कौन थे? डी डुवे। लाइसोसोम के इन्वेंटर कौन थे? डी डुवे इसके इन्वेंटर थे। सेल्फ सुसाइडल बैग हम इसे कहते हैं, आत्मघाती थैली इसे कहा जाता है। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कि जो लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम में ऐसा क्या होता है कि हम इसे सेल्फ सुसाइडल बैग कहते हैं, या किस कारण से? साइंस का मतलब हमारा यही तो है, फैक्ट्स निकालो थोड़े बहुत। तो सेल्फ सुसाइडल बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। ये जल अपघटनी एंजाइम करते क्या है? तो ये जल अपघटनी एंजाइम इस लाइसोसोम में या फिर सेल में जितने भी अपशिष्ट होते हैं, जितना भी फीकल मैटर होता है किसका? सेल का। जितना भी कुछ अपशिष्ट होता है, रेजिडुअल होता है सेल का, उसको क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। तो कभी कभी क्या करते हैं? ये पूरी ही सेल को नष्ट कर देते हैं, ये जल अपघटनी एंजाइम। कभी कभी एटम बॉम्ब ऑफ सेल, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बोला आपने, इसको एटम बॉम्ब भी कहते हैं, सेल्फ सुसाइडल भी कहते हैं, क्योंकि जल अपघटनी एंजाइम जब कोशिका का जो रेजिडुअल है, सेल का जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ है, उसको क्या करते हैं? ये खत्म करते हैं, नष्ट करते हैं कोशिका में। तो कभी कभी ये आपके पूरी की पूरी सेल को भी नष्ट कर देते हैं। क्लियर है ये बात? चले इसके अलावा ये अगला देखते हैं हम। लाइसोसोम हो गया हमारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं प्लास्टिड्स की। किसकी बात करेंगे हम? प्लास्टिड्स की बात करेंगे। और दोस्तों ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लास्टिड्स को हिंदी में हम कहते हैं लवक, और लवकों की जो खोज थी, खोजकर्ता थे वो कौन थे? हेकल थे, नाम है उनका, साइंटिस्ट का नाम है ये, क्या? हेकल। ये जो लवक होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ये तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं देखिएगा, एक होते हैं अपने क्लोरोप्लास्ट, एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट। हिंदी में बोले तो वर्णी लवक, एक होते हैं अवर्णी लवक, और एक होते हैं हरित लवक। एक क्या होते हैं? हरित लवक। अगर प्रश्न पूछा जाए कि ये जो लवक होते हैं ये किसमें उपस्थित होते हैं, तो प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाते हैं? प्लांट सेल्स में, यानी कि पादप कोशिका में ही क्या पाए जाते हैं अपने?
प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, ह्यूमन में तो बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे। तो ये किस में पाए जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जा रहे हैं। हरित लवक क्या होते हैं? तो हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, अच्छा एक और है यहां पर नाम, और नाम है क्लोरोफिल। नाम क्या है? अच्छा इधर दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं ये लिख देती हूं। एक नाम है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों अलग अलग होते हैं। क्लोरोप्लास्ट अलग होता है, क्लोरोफिल अलग होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में, दोनों एक ही जैसे होते हैं। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल दोनों एक जैसे दिखने में है, पढ़ने में है, लेकिन वास्तव में नहीं होते हैं। क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल क्रोमोप्लास्ट का भाग होता है। किसका भाग होता है? क्लोरोफिल जो पढ़ा है अभी हमने, क्लोरोफिल हमारे क्रोमोप्लास्ट जो लवक है, क्रोमोप्लास्ट जो प्लास्टिड्स हैं उनका हिस्सा होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट अपने आप में एक अलग प्लास्टिड होता है, अपने आप में एक अलग लवक होता है। क्लियर है ये बात? चले अब देख लेते हैं यहां पर कि ये क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं और क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। ये जो क्लोरोप्लास्ट है दोस्तों, यहां पर इस क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, तो ये देखिएगा। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया था उसमें डीएनए पाया जा रहा था, वो डबल लेयर्ड था, उसी प्रकार से सेम टू सेम ये भी होता है हमारा, ये भी डबल लेयर्ड होता है। इसमें भी क्या पाया जाता है? डीएनए मौजूद होता है। इसमें भी डीएनए पाया जाता है, ये भी डबल लेयर्ड होता है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस से हमारा जितने भी प्लांट्स है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं हिंदी में इसको, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के माध्यम से जितने भी प्लांट्स हैं वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ऑटोट्रॉपिक्स जितने भी होते हैं वो अपने न्यूट्रिशन का, अपने फूड का निर्माण, फॉर्मेशन खुद करते हैं। और किस प्रक्रिया के माध्यम से, किस रिएक्शन से करते हैं? तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं। क्लियर है ये बात? अच्छा, फोटोसिंथेसिस में आपके लिए चार चीजें आवश्यक होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होता है CO2, एक चाहिए आपको जल H2O, एक चाहिए आपको सनलाइट, और एक क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। एक क्या चाहिए होता है? क्लोरोफिल चाहिए होता है। तो क्लोरोफिल पौधों में प्रेजेंट होता है किसमें? वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट के रूप में प्रेजेंट होता है। उसके बाद में CO2 उन्हें एटमोसफियर से मिल जाता है, H2O उन्हें ग्राउंड वाटर, या फिर हम उन्हें पानी पिला देते हैं पौधों को, उसके माध्यम से वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। सनलाइट उन्हें सूर्य से मिल जाती है। क्लियर है ये बात? तो ये चार चीज आवश्यक होती है किसमें? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती कहां पर है? तो ये होती कहां है? क्लोरोप्लास्ट में होती है, हरित लवक में होती है। कहां होती है? हरित लवक में होती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, हरित लवक को? प्रकाश संश्लेषण का केंद्र, सेंटर ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का केंद्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का केंद्र कहते हैं, फोटोसिंथेसिस का सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ फोटोसिंथेसिस इसे कहा जाता है। क्लियर है ये बात आप सभी को? चलेगा आगे हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की और इसे हम कहते हैं अवर्णी लवक। हिंदी में क्या कहते हैं? अवर्णी लवक कहते हैं। और दूसरा कौन सा था? क्रोमोप्लास्ट। इसे हम क्या कहेंगे? वर्णी लवक कहेंगे। इसे क्या कहेंगे दोस्तों? हम वर्णी लवक कहेंगे। अवर्णी लवक जो होते हैं, तो अवर्णी लवक पौधे के उन भागों का रंग निर्धारित करते हैं, पौधे के उन भागों का रंग निर्धारित करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पौधे के उन भागों का रंग निर्धारित करते हैं जहां तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जहां तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। तो ये कौन कौन से भाग होंगे? प्लांट के वो भाग, पौधे के वो भाग जहां तक सनलाइट नहीं जा पाती है, प्लांट के वो पार्ट्स
कौन कौन से होंगे? तो एक तो होगा जड़, एक होगा बीज, वहां तक सनलाइट नहीं जाती है, तो उन भागों का कलर डिसाइड कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट कलर डिसाइड करते हैं उनके, जैसे कि जड़ हो गया, जैसे कि बीज हो गए, यहां तक सनलाइट नहीं जाती है तो यहां का कलर डिसाइड कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट यानी कि अवर्णी लवकों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये फूड स्टोरेज से भी संबंधित होते हैं, खाद्य संग्रहण से भी संबंधित होते हैं। फूड स्टोरेज किस रूप में होता है? प्लांट्स में जो फूड स्टोरेज होता है यानी कि खाद्य संग्रहण होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। प्लांट्स में खाद्य संग्रहण किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। तो यहां पर देखिएगा ये फूड स्टोरेज से रिलेटेड है। किस प्रकार से रिलेटेड है अगर हम इसकी बात करते हैं तो अवर्णी लवक में तीन नाम यहां पर मैं लिख रही हूं, ध्यान से देखिएगा इन तीनों नामों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कई बार आपके। एक है इलियोप्लास्ट, एक है एल्यूरोप्लास्ट, एक है अमाइलोप्लास्ट। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स हैं, इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और अमाइलोप्लास्ट, यहां पर तीन ये पार्ट है। अब कौन सा किससे रिलेटेड है तो मैं बात करती हूं, इलियोप्लास्ट जो तो है लिपिड स्टोरेज से रिलेटेड है। किससे? लिपिड स्टोरेज से, यानी कि वसा के संग्रहण से रिलेटेड है, ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद में एल्यूरोप्लास्ट जो है वो किससे रिलेटेड है? प्रोटीन के स्टोरेज से रिलेटेड है, प्रोटीन स्टोरेज यानी कि प्रोटीन के संग्रहण से रिलेटेड है। अमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टार्च के स्टोरेज से रिलेटेड है, स्टार्च फॉर्मेशन के बाद में स्टार्च का क्या भी होता है, संग्रहण भी होता है। ठीक है, उसमें अच्छा इंग्लिश में लिख दें तो बिल्कुल इंग्लिश में लिख रहे हैं शांतनु जी, यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश हिंदी दोनों है। इलियोप्लास्ट को इंग्लिश में इलियोप्लास्ट ही कहेंगे, कुछ अलग नाम नहीं होता है, तो स्पेलिंग आप लिख सकते हैं, मेरे पास जगह कम होती है, मेरे को डबल बार ना लिखना पड़े, इसलिए मैं कई बार इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लिख देती हूँ, लेकिन कई बार नहीं भी लिखती। इलियोप्लास्ट में यहाँ पर मुझे अलग से इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं थी, साथ साथ में लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इलियोप्लास्ट लिपिड स्टोरेज, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन, और अमाइलोप्लास्ट हमारे किससे रिलेटेड है? स्टार्च से रिलेटेड है। क्लियर है ये बात? चले ये हो गया। उसके बाद में हम बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट की। किसकी बात करेंगे? क्रोमोप्लास्ट की। ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये पौधे के उन भागों का रंग निर्धारित करते हैं जहां पर सनलाइट जाती है। तो ये पौधे के विभिन्न कलरफुल होते हैं कई प्लांट्स, तो पौधे के विभिन्न भागों का रंग निर्धारित करते हैं ये, पौधे के विभिन्न भागों का रंग निर्धारित करते हैं, पौधे के विभिन्न भागों का रंग निर्धारित कौन करते हैं हमारे? पौधे के विभिन्न भागों का रंग निर्धारित करता है क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? इसके बाद में देखिएगा इनमें कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं। डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के उनका कलर डिसाइड कौन करेगा? क्रोमोप्लास्ट करेगा। और इसमें कुछ पिगमेंट यानी कि वर्णक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वर्णक या पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये पिगमेंट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो प्रकार के? एक होते हैं केरीटेनॉइड्स, ठीक है, पहला होता है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है क्लोरोफिल। दूसरा कौन सा होता है? क्लोरोफिल होता है। दूसरा कौन सा हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा। अब यहां पर कैरेटोनाइड्स जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है। क्यों है क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट? क्योंकि क्लोरोफिल में एक धातु पाई जाती है, एक मेटल पाई जाती है, उस मेटल का नाम क्या है? क्लोरोफिल में एक धातु एक मेटल पाई जाती है। भाई डबल स्टार क्वेश्चन है क्लोरोफिल वाला, यहां पर ध्यान से सुन लीजिएगा। क्लोरोफिल में एक मेटल प्रेजेंट होती है, उस मेटल का नाम होता है मैग्नीशियम। क्या नाम होता है दोस्तों उसका? मैग्नीशियम नाम होता है, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। और ये Mg मेटल जो होती है किसमें पाई जाती है? क्लोरोफिल में पाई जाती है। इसके कारण से प्लांट की जो पत्तियां होती हैं, लीव्स जो होती है, उनका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है।
कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है प्लांट की लीव्स का कलर. ग्रीन कलर क्यों होता है? क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण होता है. क्लियर है ये बात आप सभी को? चलेगा. अच्छा, जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज लिख रहे हैं. अरे भाई देखिए, दोनों लैंग्वेज लिख रही हूँ, मेरे को सबका ध्यान रखना पड़ता है. बायलैंग्वल चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश नहीं बता सकती मैं, हिंदी भी बताऊंगी. तो यहाँ पर बोर्ड में आपको दिख रहा होगा हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, दोनों चीजें. क्लियर है ये बात? चले, जो लोग नए जुड़े हैं मेरे से अभी, जो लोग अभी नए जुड़े हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है? चले, इसके बाद में आगे की हम बात कर लेते हैं. और आगे की बात हम किसके आधार पर करेंगे? हमारे सेल डायग्राम के आधार पर करेंगे. आगे जो हमारा बचेगा वो बचेगा केंद्रक. क्या बच रहा है? केंद्रक न्यूक्लियस बच रहा है. ये जो वायलेट कलर का है बीच में, इसे हम क्या कह रहे हैं? केंद्र कह रहे हैं. वापस से देख लीजिएगा, ये वायलेट कलर का जो बीच में है उसे हम क्या कह रहे हैं? बैंगनी रंग का बीच में मोटा सा गोला सा दिखाई रहे, इसे हम क्या कह रहे हैं? केंद्र कह रहे हैं. तो केंद्र हेडिंग डाल लीजिएगा न्यूक्लियस. क्या कह रहे हैं हम इसे? न्यूक्लियस केंद्रक. सबसे पहली बात जो होती है कि केंद्र की खोज किसने करी थी, इन्वेंटर कौन थे केंद्र के? तो इसके जो इन्वेंटर थे दोस्तों, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन. क्या नाम था उनका? रॉबर्ट ब्राउन था. और स्टडी अबाउट न्यूक्लियस, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कैरियोलॉजी. केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैरियोलॉजी कहा जाता है. केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहा जाता है. इन्वेंटर कौन थे इसके? रॉबर्ट ब्राउन थे. अब यहां पर देखिएगा, इसे हम कहते क्या है? तो इसे हम सीपीयू ऑफ सेल भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ सेल भी कहा जाता है. ये पूरी सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल होता है. साथ ही साथ में ये सेल में एकदम मैन मैनेजर की तरह बिहेव करता है. तो इसे हम क्या भी कह देते हैं? मैनेजर ऑफ सेल भी कह देते हैं. तो कोशिका का सीपीयू किसे कहेंगे? केंद्रक को कहेंगे. कोशिका का मैनेजर किसे कहेंगे? बायोलॉजी की कितनी क्लास हुई है अभी तक? तो बायोलॉजी की अभी तक आपकी हो चुकी है चार पांच क्लासेस हो चुकी हैं आपकी अभी तक. और अगर आपको स्पेशली कोई आरआरबी एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है आज से ही. और ये जो बैच है ये ऐप पर चलेगा, तो आप फटाफट से ऐप पर जाइएगा. अभी मैं ऐप का आपको लिंक बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा. सीपीयू ऑफ सेल कहा जाता है, मैनेजर ऑफ सेल कहा जाता है किसे? न्यूक्लियस को कहा जाता है, ठीक है? चले, उसके बाद में यहाँ पर एक कई बार पूछ लिया जाता है कि किसमें आपका केंद्रक प्रेजेंट नहीं होता है. ह्यूमन की वो सेल जिनमें क्या उपस्थित नहीं होता है? केंद्रक या फिर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. तो ह्यूमन में आरबीसी पाई जाती है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स पाई जाती है, लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती है. इन लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है. केंद्रक क्या होता है? एब्सेंट होता है, एब्सेंस होती है केंद्रक की. तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स लाल रक्त कणिकाओं में ह्यूमन में क्या पाया जाता है आपके? नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता. क्या नहीं पाया जाता है? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है. क्लियर है ये बात? चले, इसके बाद में हम यहां पर देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस केंद्रक के बीच में ये जो केंद्रक होता है कुछ इस प्रकार से है वायलेट कलर का. इसके बीच में यहां पर एक न्यूक्लियस पाई जा रही है, यानी कि इसे हम क्या कह दे रहे हैं? केंद्रिका कह दे रहे हैं. वापस से भी डायग्राम में दिखा देंगे आपको, तो ध्यान से देख लीजिएगा. इस केंद्रिका के अलावा कुछ फाइबर्स के रूप में यहाँ पर इस प्रकार से और बाहे जा रहे हैं. इन्हें हम कहते हैं क्रोमेटीन फाइबर. हिंदी में कहते हैं क्रोमेटीन तंतु, और इंग्लिश में क्या कह देंगे इन्हें हम? क्रोमेटीन, क्रोमेटीन फाइबर्स कह देंगे. क्या कह देंगे हम इन्हें? क्रोमेटीन फाइबर भी कह देंगे. क्लियर है ये बात? चलेगा. तो ये न्यूक्लियस जो है, उस न्यूक्लियस की बात मैं कर रही हूँ. डायग्राम में ध्यान से देख लीजिएगा, अभी यहाँ पर ये जो
केंद्रक है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में ये वाला जो गोला आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोस कह रहे हैं, यानी कि हिंदी में क्या कह दे रहे हैं हम इसे? केंद्रिका कह दे रहे हैं। क्या कह दे रहे हैं? केंद्रिका कह दे रहे हैं। इसके अलावा ये जितने भी फाइबर प्रेजेंट दिख रहे हैं आपको, ये सारे फाइबर नहीं दिख रहे तो मैं बना देती हूँ। ये जो फाइबर्स हैं, ये फाइबर को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन फाइबर कह रहे हैं। क्रोमेटिन तंतु हम इन्हें कह दे रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन क्यों होता है? तो ह्यूमन बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए सेल डिवीजन आवश्यक होता है। और ये सेल डिवीजन लगातार चलता रहता है, कोशिका विभाजन लगातार चलता रहता है। कोशिका विभाजन के कारण ही नई कोशिकाएं बनती है और नई कोशिकाओं से मानव का विकास निरंतर होता रहता है। तो ये जो कोशिकाएं, जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम पर ये क्रोमेटिन फाइबर्स जो हैं, ये क्रोमेटिन फाइबर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों? क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हिंदी में हम इन्हें क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। क्यों नहीं पाया जाता, कोई रीजन इसके पीछे? तो बिल्कुल बताएंगे आपको रीजन। हर सेल में न्यूक्लियस तो होता ही है। सोहेल जी देखिएगा, होता क्या है, आरबीसी में आपके न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जब हम ब्लड पढ़ेंगे तो अब इसको और भी अच्छे से पढ़ेंगे। तीन प्रकार की कॉर्पसल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तीन प्रकार की होती है ये, तो इनमें से सिर्फ आरबीसी में नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होता है। क्यों नहीं पाया जाता, इसके पीछे का कारण, इसमें प्रेजेंट हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्यों होता है, क्या करता है, ये सारी बातें हम ब्लड में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर सिर्फ अभी इतना ध्यान रख लो कि आरबीसी में नहीं पाया जाता, मेन रीजन इसमें हीमोग्लोबिन का पाया जाना है। क्योंकि आरबीसी का मेन काम होता है ऑक्सीजन और CO2 को अपने साथ में बांधकर ट्रांसपोर्ट करना, अपने साथ बांधकर, अपने साथ कनेक्ट करके ट्रांसमिशन करना थ्रू आउट द होल बॉडी। तो इस कारण से आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। वो बाद में पूरी बात हम पढ़ने वाले हैं, तो अभी उसको नहीं लेकर आते हैं। अभी उसको लेकर आएंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर का डाइवर्जन हो जाएगा। यहां पर हम बात कर रहे थे क्रोमोसोम्स की, गुणसूत्रों की बात कर रहे थे। क्रोमोसोम, गुणसूत्र हिंदी में हम इन्हें कहते हैं। यहां पर देखिएगा, क्रोमोसोम मैंने अभी आपको बताया, सेल डिवीजन के समय, किसके समय? सेल डिवीजन के समय होता क्या है, कोशिका विभाजन के समय जो क्रोमेटिन फाइबर किसमें प्रेजेंट है? आपके केंद्रक में प्रेजेंट है। वो केंद्रक के क्रोमेटिन फाइबर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? गुणसूत्रों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहां पर स्टार्ट में देख लेते हैं कि इसकी खोज किसने करी थी, इन्वेंटर कौन थे क्रोमोसोम्स के, क्रोमोसोम्स के बारे में पता किसने लगाया था? तो नाम था उनका स्ट्रॉसबर्गर। बिल्कुल ये खाने वाला बर्गर नहीं है, लेकिन फिर भी नाम तो नाम होता है। तो साइंटिस्ट का नाम क्या है? स्ट्रॉसबर्गर। और गुणसूत्र को या क्रोमोसोम्स को, क्रोमोसोम नेम किसने दिया था? तो एक और वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, नाम क्या था उनका? वोल्डेयर। तो वोल्डेयर ने इनको नाम दिया था। क्लियर है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, यही बात पढ़ेंगे। वैक्यूले नहीं पढ़ाए अभी, बिल्कुल वैक्यूले पढ़ाएंगे, थोड़ा सा समय दे दे, केंद्र के बाद में वैक्यूले की भी बात कर लेते हैं हम। क्रोमोसोम खोज किसने करी है? स्ट्रॉसबर्गर ने। नाम किसने दिया है? वोल्डेयर ने नाम दिया है इसको। अब देखिएगा, ह्यूमन की बात करते हैं, तो ह्यूमन की हर एक सेल में लगभग 46, लगभग क्या, फिक्स ही होते हैं, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46, 46। और ये 46 जो क्रोमोसोम्स है, ये कितने में पाए जाते हैं? 23 पेयर्स में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? 23 पेयर्स में पाए जाते हैं। इन 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स अलग होते हैं और एक पेयर अलग होता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं। हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं और 46 क्रोमोसोम 23 पेयर्स में पाए जाते हैं। इनमें से 22 पेयर्स एक साइड होते हैं और वन पेयर जो बच गया, एक पेयर एक साइड होता है। ये 22 पेयर्स जो होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं कायिक गुणसूत्र। इंग्लिश में भी लिख दूंगी, अभी टेंशन नहीं लेना है। इन्हें क्या कहेंगे हमें? कायिक गुणसूत्र कहेंगे। ये हमारे नॉन सेक्स क्रोमोसोम भी कहलाते हैं, अलैंगिक गुणसूत्र भी हम इन्हें कहते हैं। एक स्पेशल नाम भी है इनका, वो स्पेशल नाम भी मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
22 पेयर्स जो होते हैं इन्हें हम कई गुणसूत्र कहते हैं, नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, इसके अलावा इन्हें क्या भी कहा जाता है, ऑटोसोम भी कहा जाता है। स्पेशल नाम क्या है इसका, ऑटोसोम क्रोमोसोम्स भी नहीं कहा जाता है। ये जो एक पेयर बच गया है ये एक पेयर ही पूरा तूफान मचा के रखता है। इस एक पेयर का देखिएगा नाम है इसका एलोसोम, या इन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। और इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें, इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें, कंफ्यूजन क्या होता है, तो ये जो एक पेयर है, हर एक जो पेयर होता है उसमें दो गुणसूत्र पाए जाएंगे। तो इसमें देखिएगा एक होता है एक्स एक्स और एक होता है एक्स वाई। एक्स एक्स जो होता है वो फीमेल्स में प्रेजेंट होता है, एक्स वाई किस में प्रेजेंट होता है, मेल्स में प्रेजेंट होता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, दो गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, एक पेयर में दो क्रोमोसोम है। अगर दोनों क्रोमोसोम सेम होंगे, एक जैसे होंगे, तो एक जैसे होंगे तो वो किस में होंगे, फीमेल में। अगर अलग अलग होंगे तो किस में होंगे, वो मेल में। अब एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, और वो क्वेश्चन क्या था तो उसकी भी मैं बात कर लेती हूँ। क्वेश्चन ये था कि अगर मान लीजिएगा कोई भी संतान है, कोई भी भ्रूण है, कोई भी आपके एम्ब्रोय है, फीटस एम्ब्रोयो, और एम्ब्रोयो में क्या होता है, फीटस आगे चल के उसका विकसित रूप क्या हो जाएगा, आपके फीटस हो जाएगा। और फीटस में यानी कि इसे हिंदी में क्या कह रहे हैं, हम भ्रूण कह रहे हैं। इस भ्रूण का जो लिंग निर्धारण होता है, इस भ्रूण का जो लिंग निर्धारण है, इसका सेक्स डिसाइड होगा कि ये लड़का होगा या लड़की होगी, बॉय होगा या गर्ल होगा, वो डिसाइड कौन करता है, ये वाई क्रोमोसोम करता है। कौन करता है, ये वाई क्रोमोसोम करता है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपके लिंग निर्धारण का कार्य कौन करेगा, पुरुषों में पाया जाने वाला वाई गुणसूत्र। ध्यान से सुन लीजिएगा, वापस से समझा रही हूं। 23 पेयर्स में 22 पेयर्स एक साइड होते हैं, एक पेयर एक साइड होता है। इस एक पेयर में अगर समान समान एक जैसे गुणसूत्र होंगे तो वो किस में प्रेजेंट होंगे, फीमेल्स में प्रेजेंट होंगे। वो किस में होंगे, महिलाओं में होंगे। और अगर दोनों गुणसूत्र अलग अलग होंगे तो वो किस में होंगे, मेल्स में प्रेजेंट होंगे, पुरुषों में होंगे। अब यहां पर पॉइंट यह आ जाता है कि फीटस का या फिर संतान का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, सेक्स का डिसाइडेशन किसके द्वारा होता है, तो वो होता है पुरुषों में पाए जाने वाले इस वाई गुणसूत्र के द्वारा। क्लियर है ये बात, चलेगा। तो ये किसकी बात हो गई, हमारे क्रोमोसोम्स की बात हो गई, क्रोमोसोम्स के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद में देखिएगा एक क्वेश्चन आपसे जो पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमिया, हमने ह्यूमंस की बात करी थी, अब पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। मैक्सिमम क्रोमोसोम यानी कि सर्वाधिक गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक गुणसूत्र पाए जाने वाला, अच्छा ये यहाँ पर सजीव सारे आ जाएंगे, लिविंग बींग्स सारे आ जाएंगे इसमें। और ये किस में होता है, तो आपके एक प्लांट है, नाम है उसका ऑफियो ग्लोसम रेटिकुलम, ऑफियो ग्लोसम रेटिकुलम नाम से एक प्लांट है आपका, एक एल्गाई होता है, उसमें पाया जाता है। ठीक है, इसमें सर्वाधिक क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं। हमने बात करी थी कि क्रोमोसोम जो होते हैं, इन क्रोमोसोम्स के आगे अगर हम बात करते हैं तो क्रोमोसोम में ही आपके जीन उपस्थित होते हैं, और ये जीन ही हमारे किसका डिसाइड करते हैं, जीन डिसाइड करते हैं हमारे आनुवंशिक गुणों का। जितने भी आनुवंशिक गुण में होते हैं, जेनेटिक कैपेसिटी होती है या जेनेटिक ऑर्डर होता है, जितना भी, वो सब कौन डिसाइड करता है, जीन डिसाइड करते हैं। और जीन जो होते हैं उनमें उपस्थित क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए उपस्थित होते हैं। जीन में क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं। और ये डीएनए आरएनए किससे मिलकर बनते हैं, प्रोटीन से मिलकर के बनते हैं। क्लियर है ये बात, तो डीएनए आरएनए किससे मिलकर बनेंगे, प्रोटीन से मिलकर के बनेंगे यहां पर। और देखिएगा दूसरी बात क्या हो जाएगी कि ये जीन, तो क्रोमोसोम पर क्या पाए जाएंगे, जीन, और जीन पर डीएनए आरएनए और प्रोटीन। तो आगे वाली क्लास में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि जीन क्या होते हैं, डीएनए आरएनए क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है। इसके अलावा हमारा जो बच गया है कौन सा, विक्योले के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारियां लेनी है। इसके अलावा सेल डिवीजन भी हम पढ़ेंगे, इसके अलावा प्लांट सेल और ह्यूमन सेल या एनिमल सेल में डिफरेंस भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पोर्शन है जो हम अगली वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, अमित सर आपके आ चुके हैं और क्लास का टाइमिंग आपका हो चुका है। और उससे पहले देख लीजिएगा,
चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैथ्स चलेगा, शिवराज जी बिल्कुल चलेगा। मैथ्स की क्लास 9 बजे आपकी होती है और 9 बजे से मैथ्स की क्लास आपकी होने वाली है। बस थोड़ा सा टाइम मैंने ज्यादा ले लिया है आपका, उसके लिए माफी चाहूंगी मैं आप सभी से, क्योंकि आपके अमित सर अब आ चुके हैं तो क्लास को हम यही विराम देने वाले हैं। कितने क्लासेस होंगी, शेड्यूल वगैरह सब बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। जिन लोगों को शेड्यूल जानना था, जिन लोगों को ऐप के बारे में जानकारी चाहिए थी या फिर और कोई जानकारी, जिन भी किसी को भी चाहिए थी, जिस किसी को भी, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिएगा YouTube चैनल रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर के नाम से है और रीजनिंग लाइफ शॉर्ट्स, इन दोनों को आपको सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा देखिएगा ध्यान से, SSC CHSL के लिए आपके जो बैच है 1499 रुपये का है और शताब्दी में जो रेलवे वालों के लिए है वो 1999 का हो चुका है। और ये सभी टीचर्स जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो पढ़ाने वाले हैं इसमें। अगर आपको इंडिविजुअल कोर्स खरीदना है रीजनिंग का तो आप 999 में खरीद सकते हैं, और अगर आपको अमित सर का खरीदना है तो वो भी आप 999 में खरीद सकते हैं। दोनों का कॉम्बल लेना है, दोनों का एक जगह लेना है दोनों का कोर्स, तो 1899 में आप वो कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डेली PDF चाहिए, डेली क्विज चाहिए, वीकली टेस्ट चाहिए, आज दिन में 12 बजे वीकली टेस्ट होने वाला है। मैं फिर से कह रही हूँ आपको, स्टार्टिंग भी आते ही बता दिया था कि आज दिन में 12 बजे आपके वीकली टेस्ट होगा, फ्री टेस्ट है। कहां पर है ये? तो ये ऐप पर है, ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये ऐप डाउनलोड आप कहां से कर सकते हैं? प्ले स्टोर से कर सकते हैं, iOS वाले भी कर सकते हैं और एंड्रॉइड वाले भी कर सकते हैं, दोनों के लिए ऐप है। तो ये ऐप आपको डाउनलोड करना है और यहां पर जाकर के दिन में 12 बजे क्या देना है, आपको टेस्ट देना है। उस टेस्ट का सोल्यूशन जो होगा हम संडे को कराएंगे, ठीक है। चले, लेट गई थी, बिल्कुल लेट आई थी, थोड़ा सा उसके लिए माफी चाहेंगे। अभी आपकी मैथ्स की क्लास होने वाली है। अच्छा, शेड्यूल किसी को जानना था, शेड्यूल के लिए मैं बता देती हूँ। देखिएगा ध्यान से, शेड्यूल जो है सुबह वाला शेड्यूल ये है, 8 बजे से मेरी क्लास होती है, 9 बजे से मैथ्स वाले सर की क्लास होती है अमित सर की, 10 बजे रीजनिंग सर की क्लास होती है दीपक सर की, और पॉलिटी जो है हरिओम सर की क्लास होती है आपकी 11 बजे की, ठीक है। उसके बाद शाम का शेड्यूल ये है। साइंस खत्म होने वाली है समीर जी, बिल्कुल ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जा रहे हैं हम आपके अमित सर, बिल्कुल आ रहे हैं। ऋतिक जी बिल्कुल आपके अमित सर यहीं प्रेजेंट है, अमित सर को याद आप करें और अमित सर आ गए हैं। तब तक के लिए चलेगा, धन्यवाद आप सभी का। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कोर्स आपको कोई खरीदना हो तो भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कुछ भी अगर आपको इशू होता है तो आप इन नंबर पर क्वेरी राइज कर सकते हैं। क्लियर है ये बात आप सभी के लिए? चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं आपसे कल, नमस्कार।